नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक समाचार से। 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। उनका जिन छात्रों ने 12वीं कक्षा का एग्जाम दिया था उनका रिजल्ट आउट हो गया है, और वो छात्र जिन्होंने बोर्ड के एग्जाम दिए थे। सीबीएसई का तो इससे पहले रिजल्ट आउट हो गया था, लेकिन जेके बोस का रिजल्ट जो है वो आज आउट हो चुका है। इससे पहले खबर आई थी कि कुछ ही घंटों के बाद हो सकता है कि रिजल्ट आउट हो जाए और जेके बोस की वेबसाइट पर रिजल्ट अपडेट हो जाए और छात्र जो हैं, बच्चे जो हैं, वो जेके बोस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं, अपना रोल नंबर डालें और चेक कर सकते हैं। और ये एक अच्छी खबर है, जो छात्र 12वीं कक्षा में जिन्होंने अच्छे स्कोर किए हैं उनको स्टेट समाचार की टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकें हैं। और जो जानकारी है उसके मुताबिक 74% रिजल्ट जो है, 74% जिन छात्रों ने एग्जाम दिया था उसमें 74% जो है वो क्वालिफाई किए हैं। और ये रिजल्ट जो है वो अब वेबसाइट पर आ गया। अगर आप ऑफिशियल जेके बोस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। और इसमें जो ओवरऑल परसेंटेज की बात करें तो उसमें गर्ल्स जो है वो 77% जो है गर्ल्स का स्कोर है और 72% मेल हैं। तो इस बार भी छात्र जो हैं, लड़के जो हैं, वो थोड़ा सा पीछे हैं लड़कियों के मुकाबले। ऐसा नहीं है कि लड़के जो हैं वो बेहतर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर क्षेत्र में जैसे कहते हैं कि लड़कियां जो हैं वो सबसे आगे हैं, तो यहाँ पर भी लड़कियां इस बार जो रिजल्ट आउट हुआ है उसमें आगे हैं। तो सभी को बहुत बहुत मुबारकें हैं। आप अपनी जेके बोस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, वहां जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसको लेकर डीजी लॉकर भी बनाया गया है। डीजी लॉकर के रिजल्ट के लिए अगर आप डीजी लॉकर की पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा डायरेक्ट, ये देखें आप, सीधा जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि क्लास 12th का 2024 का रिजल्ट जो है वो अवेलेबल है। और अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जो ब्लू डॉट है, तो यहाँ पर आप रोल नंबर डालकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर सबमिट करें और आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और सभी छात्रों को, सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर से हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकें। और उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला भविष्य जो है वो भी अच्छा हो। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देख रहे हैं दैनिक समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत।